यहाँ एक साइन बोर्ड है, लिखा हुआ है डेथ वैली, और एक इंडियन कबूल है उसके ऊपर चढ़ गए हैं और उतर नहीं पा रहे। सोचिए फोटो खींचने के लिए क्या क्या लोग करते रहते हैं। लेकिन अच्छा है अगर आप आओगे तो डेथ वैली के साइन के ऊपर एक फोटो तो बनता है। So we are now entering the Death Valley, the homeland of the Timbisha Shoshone National so Park. This sir. is one of those Indian tribes, I guess. Ha, yeah. There was this Vijay photo khichne mein, aur hum log gaadi rakhte hain. Devasis, I think. ब्रेकफास्ट कोई फैंसी भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। इतना सोए कि लास्ट में ब्रेकफास्ट यही मिला। बस खाना खा लेते हैं, जो मिला खा लिए। अभी हम लोग का होटल छोड़ के सीधा ट्रैवल के लिए निकलेंगे। आई होप जितने भी हम लोग फीडबैक लिए सबसे तो यार ओके आई एम गोइंग। तुम चेक कर लो सब कुछ लिए कि नहीं। पूरा जाजावर जीवन हो गया। ट्रैवलिंग करो, एक सिटी से दूसरे सिटी जाओ, एक होटल से दूसरे होटल जाओ, और लेकिन रोड ट्रिप का मजा बहुत है। कहीं भी जाओ आप रुक जाओ, कहीं भी जाओ आप खा सकते हो, बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, रोड के साइड में आप रुक सकते हो। देवेशीस कम। तो डे टू और डेथ वैली का सफर अभी शुरू होगा। और ये आज रात एक दूसरा होटल में रहेंगे। तो चलिए नीचे पहुंचते हैं और शुरू करते हैं डेथ वैली का डे वन। जा रहे हैं मस्क्यूटो। नो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेंडून। वी आर गोइंग टू मेस्किट फ्लैट। राइट सर, इफ वी डू टू डी। ये पेपर की तरह आ रहा है लेकिन ये लाइट है। तो हम लोग जा रहे हैं मेस्किट फ्लैट सैंडून। 100 माइल्स। 100 माइल से ज्यादा है। ज्यादा है तो 2 घंटा भी लगेगा। तो चलो फास्ट। But once we get there, other points are closer. It is not like we have to drive 100 miles for every spot. तो होटल को छोड़ के चले। ये सामने एक अच्छा सुंदर सा होटल है, Spring Hill Suites. ये तो चलो स्टार्ट हुआ डेथ वैली का सफर। अभी हम लोग बैठ जाएंगे 100 miles। ओ माय गॉड, 1 घंटा 57 दो घंटा लगेगा। मुझे दे दो, मैं ड्राइव करती हूँ। सियरलेस वैली। ओके, एंड यू कैन सी सॉल्ट एवरीवेयर। एक फैक्ट्री भी आ रहा है। या देयर इज अ फैक्ट्री आल्सो। रास्ते में देखिए बिल्कुल कोई नहीं है और एक दो गाड़ी आ रहे हैं, एक दो गाड़ी, पूरा एकदम इंग्लिश मूवी। और सामने ये एक सॉल्ट फैक्ट्री है। अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ। बिल्कुल मुझे तो अंदर से डर भी है। पूरा परफेक्ट, इसका नाम ऐसे ही है डेथ वैली, मुझे मालूम नहीं। गाड़ी के लिए थोड़ा टेंशन होता है। कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो चलो
और ये रास्ते में मैं ड्राइव कर रही थी, इतना डर लगा कि मैं देवाशीष को दे दी, भाई ऊपर से नीचे अगर जाएंगे देवाशीष देख के चलो, सचमुच बहुत भयानक रोड है और रोड का कलर भी रेड कर दिए, क्यों रेड कर दिया नहीं है, दिस इज ऑल रॉक। बिल्कुल पेड़ पौधे सब मर चुके हैं और इतना पत्थर है, ये सब मिनरल्स है ना नेचुरल, सी दैट सॉल्ट डून नेचुरल मिनरल ऑल दैट सॉल्ट। अब देखिए ये खाली रास्ता देख देख के ही आपको अच्छा लगेगा, पूरा मूवी जैसा लगेगा, बाहर बहुत हवा है। इफ यू हैव सीन दैट मूवी मैकेनास गोल्ड। होटल से निकले और 2 घंटा गाड़ी के अंदर ड्राइविंग है और रास्ते में कोई भी नहीं है। 2 घंटे के बाद दूर से गाड़ियों को देख के इतना अंदर से खुशी अनुभव हुई। यहाँ टिकट काउंटर है डेथ वैली के अंदर जाने के लिए, आपको गाड़ी के साथ टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद सफ़र होगा। और पहला पड़ाव जो आएगा मैं आपको बोलूँगी, तो एक तो लूसिड इलेक्ट्रिक कार, अंदर से तो थोड़ा डर है जो कहाँ चार्ज करेंगे और कैसे अच्छे से ये रोड ट्रिप होगा। तो यही है हम लोग के, आपको दिखाई देगा। These are sand dunes one after another. None of them is very high, but some in the distance they look pretty tall. Monika has her fancy hat with her. Go there, go to that point, you can take from that side all the way. 14 miles par likha hai, 14 miles. It looks close, it goes all the way there to the base of the mountain. Kul sukh gaya hai. ये लेकिन ये पत्थर है, ये पूरा चट्टान जैसा है। चलो भाई फिर बाली के ऊपर उठो। ओह माय गॉड, पहाड़ चढ़ो फिर उतरो, यही चल रहा है। तो वैसे इसके साथ अगर आप रहोगे ना तो आपको पूरा चला चला के थका देंगे। और सामने देखिए बिल्कुल रोड के उस साइड में पहाड़ है और सब पत्थर का है, कुछ भी ये छोटे छोटे प्लांट से जो मर गए हैं, बिल्कुल इतना गर्मी से तो मर ही जाएंगे। देखिए लगता तो है डेथ वैली में कोई नहीं होगा।
गाड़ी नहीं है पार्किंग करने के लिए। ये है बेड वाटर बेसिन, क्या है उसका मीनिंग जाके देखेंगे। और देखिए लोग पूरा अंदर तक घुस के जा रहे हैं। ये मरुभूमि के अंदर थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ भीड़ भी है पार्किंग के लिए। देखिए वो अनाउंस कर रहे हैं। क्यों दिया गया है उसको बेड वाटर? Water is rare and precious in Death Valley. Imagine the disappointment when a surveyor mapping this area could not get his mule to drink from this pool because it is so salty. Oh, salty! He wrote on his map that the spring had bad water and the name stuck. It's not poisonous, just salty. As the presence of pickleweed, aquatic insects, and large also home to one of the rarest animals. तो तुम सोचो अगर टाइनी मोलस एग्जिस्ट ओनली इन अ फ्यू स्प्रिंग्स एट द एज ऑफ देयर लाइफ ओनली फ्रॉम बोर्डोर इन शाइंट एक्टिव है। आह एक तो डेथ वैली, चारों तरफ बिल्कुल पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, उसके अंदर अगर आपको पानी मिलेगा और फिर भी सॉल्टी तो हो गया बात। There is an aquifer, and through that, like way down in the north, the water flows from Nevada all the way, and it comes out here. There is no, this water is not from here actually. It is coming all the way from Nevada. लेकिन दुख भरी बात है कि सॉल्टी है। तो दुख भरी क्या? ये आउटर वैरायटी। वैरायटी नहीं है। People are coming here because it is different. एक लेयर बैठ गया है सॉल्ट का। तो इससे जीव जंतु कहाँ आएंगे? आप डिस्कवरी चैनल हो, जियोग्राफी नेशनल जियोग्राफी चैनल में दिखा होगा कैसे लोग यहाँ आते हैं। अगर ठीक से आप अरेंजमेंट करके नहीं आओगे यहाँ लोग वापस नहीं जाते हैं। टूरिस्ट है, लोग भरपूर मजा ले रहे हैं। कितना गाड़ी देखिए इधर से उधर तक। दादी, दादी। पीछे सब कुछ ड्राई हो गया है और एक लेयर नमक बैठ गया है।
पानी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा। दूर दूर तक। और सबसे इंटरेस्टिंग एक ही रास्ता जैसा हुआ है इधर, बिल्कुल मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर भी लेयर पड़ा हुआ है नमक, और बिल्कुल बहुत ही सॉल्टी वाटर है। इसीलिए जीव जंतु कैसे पहुंचेंगे यहाँ। चारों तरफ देखिए, और मेरा गर्मी का हालत,